मैं ऐसे झूठ भी बहुत बोलता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पे जोक्स पे मत हंसो चलेगा, बट मैं तब से सिर्फ यही देख रहा हूँ कि कौन कौन नहीं हंस रहा है और मुझे पता है सबके जूते बाहर रखे। फिर डेस्टिनेशन पहुंचे तो उसने मेरे से कहा कि कैश दो, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कैश मेरे पास था भी नहीं। तो वो एकदम से ऑफेंड हो गया और जोर जोर से मुझे कुछ चिल्लाने लगा कन्नड़ में। तो मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था, आई गेस व्हाट यू आर सेइंग वाज कि जो भी बोलना है कन्नड़ में बोल ऐसा। तो मुझे पहले तो बहुत रेज आया और ऐसे मैं छोटे में बुली हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में बुली ना हूँ इसलिए मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। तो पहले तो मेरा हाथ उठ गया, मैं हाथ छोड़ने ही वाला था, तब जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में जैसे हीरो ऐसे फाइनल पंच मार रहा होता है तो एक क्यूट सी हीरोइन आके उसे रोकती नहीं है कि नहीं नहीं लॉट लेट द लॉ हैंडल ऐसा टाइप का। मेरी स्टोरी है, मैं अपने आप को हीरो हीरो जोब जाए बना सकता हूँ। तो मेरे सामने भी मेरी थेरेपिस्ट आई और मेरे को उसकी बात याद आई, तो मैंने अपना हाथ नीचे किया और फिर मैंने उस ऑटो वाले के पैरों की ओर देखा और फिर जबरदस्ती उसकी चप्पलें निकाल ली, अपनी चप्पल हाथ में पकड़ के उसके सामने उसकी चप्पलें पहनने लगा। तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ना कैश ना ऑनलाइन, बिना पैसे लिए बंदा भाग गया वहां से ऑटो लेकर। मैं ऐसा झूठ भी बहुत बोलता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पे जोक्स पे मत हंसो चलेगा, बट मैं तब से सिर्फ यही देख रहा हूँ कि कौन कौन नहीं हंस रहा है और मुझे पता है सबके जूते बाहर रखे हैं।